राधे 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 कृष्णा 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 जलद्दू गोपाल की जय बाल गोपाल की आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे जन्माष्टमी पर्व आने वाला है और जन्माष्टमी पर आप क्या भोग लगाएं जिससे अपने लड्डू गोपाल जी को आप बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण भगवान जी को 56 भोग भी लगाया जाता है, लेकिन 56 भोग और माखन मिश्री का भोग अगर आप लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं तो वो भी 56 भोग में ही आता है, क्योंकि माखन मिश्री लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अति प्रिय है। और माखन मिश्री लड्डू गोपाल जी अपने बाल्यकाल लीलाओं में लड्डू गोपाल जी ने माखन मिश्री पर काफ़ी लीलाएं दिखाई हैं। गोपियों के घर जा जा के माखन खाया करते थे और माँ और जन्माष्टमी पर माखन की हांडी भी बनाई जाती है। आप कोई भी अपने घर में छोटी सी हांडी बनाएं, माखन से भर के उसे लड्डू गोपाल जी के सामने रखें और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। ये छोटी छोटी हांडी आती हैं, छोटी सी कुल्लो भी होती है, आप उसे मंगा कर भी उसे डेकोरेट करें और लड्डू गोपाल जी को उसमें माखन भर के उससे लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगाएं, क्योंकि माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पर अपने हाथों से ताजी निकाला हुआ माखन जब आप लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे तो लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। माखन मिश्री का इतना माखन मिश्री इतनी प्रिय होती है लड्डू गोपाल जी को, जब अपनी बाल्य लीलाओं में माखन मिश्री भोग की लीला इतनी की है लड्डू गोपाल जी ने, गोपियाँ लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने के लिए, उनको बुलाने के लिए माखन की हांडी भर भर के माखन की हांडी टांगा करती थी कि और इंतज़ार करती थी कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर आएं और हमें दर्शन दें और हमारे हाथों से निकला हुआ माखन खाएं। ये सब लीलाएं प्रभु की रचाई हुई थी। श्री कृष्ण भगवान जी ने ऐसी ऐसी लीलाएं अपने बाल्यकाल में की हैं, अपने लड्डू गोपाल जी ने, कान्हा जी ने, उन्हें सुनने में देखने में भी इतना आनंद आता है। भागवत श्रीमद् भागवत गीता में भी इन सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। बाल्य लीलाओं में लड्डू गोपाल जी ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की है और उनमें से एक लीला है माखन चोर। माखन चोर की लीला लड्डू गोपाल जी की बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं, जिनमें लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों के घर जाते थे, माखन चोरी करके खाते थे और उनके भक्त उनके दर्शन के लिए तरसते थे, उनके दर्शन करने के लिए माखन निकालती थी गोपियां हाथों से और हांडी भर भर के माखन की रखती थी लड्डू गोपाल जी और कान्हा का इंतज़ार करती थी कि कान्हा हमारे घर आए और माखन खाए। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं लड्डू गोपाल जी ने अपने बाल्यकाल में की हैं। तो फ्रेंड्स, यही अद्भुत नज़ारा है लड्डू गोपाल जी का, जो लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ भी श्रीमद् भागवत गीता में दर्शाई जाती हैं। श्रीमद् भागवत गीता सुनने मात्र से ये पता चलता है कि प्रभु की इतनी सुंदर सुंदर अनोखी लीलाएं अपने बाल्यकाल में की हैं लड्डू गोपाल जी ने। और माखन चोर की सबसे बहुत सुंदर लीला है लड्डू गोपाल जी की, उनके लड्डू गोपाल जी के बाल्यकाल की। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं और माखन मिश्री का भोग लगाने से ही लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। 56 भोग आप कितने ही प्यार से, मन से, भाव से 56 भोग लगाते हैं और एक तरफ आप माखन मिश्री का भोग लगाते हैं मन और भाव से, तो प्रभु उनको स्वीकार करते हैं। फ्रेंड्स, दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर विदुर के घर केले के छिलके के भोग लगाने चले गए थे मन और भाव से बुलाने पर लड्डू गोपाल जी। श्री कृष्ण भगवान जी तो इतने दयालु हैं, इस जन्माष्टमी पर आपके घर भी आ जाएंगे आपके मन और भाव से निकाले हुए माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पर मन और भाव से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अपने हाथों से माखन मिश्री का भोग जरूर बनाएं और लड्डू गोपाल जी को जरूर ताजी ताजी माखन बनाकर भोग लगाएं। आपके घर भी आएंगे क्योंकि लड्डू गोपाल जी माखन का भोग लगाने। राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।